बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक्ट्रेस का फैशन लुक ट्रेंड बन जाता है। ऐसी एक फिल्म हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनी थी जिसका नाम था जोधाकबर। इस फिल्म में ऐश्वर्या और ऋतिक ने बाकमाल एक्टिंग की थी, लेकिन एक्टिंग से ज्यादा चर्चे ऐश्वर्या के लुक्स के थे। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या के लहंगे और ज्वेलरी का क्रेज बढ़ गया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या की इस लुक के बाद मार्केट में इस तरह की ज्वेलरी की डिमांड काफी ज्यादा हो गई थी। बहुत से लोगों को लगता है कि इस फिल्म में ऐश्वर्या ने जो गहने पहने थे वो शायद नकली होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ऐश्वर्या के लिए सभी गहने असली सोने और कीमती स्टोन से बनाए गए थे। तो चलिए आपको इसके पीछे की एक कहानी बताते हैं। ऐश्वर्या की रॉयल लुक के लिए पहले तो तनिष्क की एक टीम बनाई गई, क्योंकि जोधाकबर एक ऐसी फिल्म थी जो हमारे इतिहास से जुड़ी थी। तो इसके लिए टीम ने लुक्स और ज्वेलरी के लिए रिसर्च करनी शुरू की। काफी ट्रेवल के बाद भी उन्हें कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली। ऐसे में टीम ने उस दौर के दूसरे राजघरानों की पेंटिंग से गहनों के लिए हिंट्स लिए। वहीं आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐश्वर्या के लिए जो गहने तैयार किए गए थे उनका वजन तकरीबन 400 किलो था। इसे बनाने के लिए टीम ने असली सोना और स्टोन्स का इस्तेमाल किया। टीम ने गहने बनाने के लिए करीब 200 किलो गोल्ड, अलग अलग कीमती स्टोन्स, मोती आदि का इस्तेमाल किया। बल्कि ऐश्वर्या ने जो गहने फिल्म में शादी के सीन में पहने थे उनका वजन करीब 3.5 किलो से ज्यादा था। दो साल में बने थे गहने। क्योंकि ये फिल्म इतिहास से जुड़ी थी, इसीलिए हर चीज में बारीकी से काम करना था। इसीलिए गहनों को शूटिंग से पहले पूरा करने के लिए करीब 200 कारीगरों ने दिन रात काम किया, और लगातार काम करने के बावजूद 400 किलो के गहनों को रेडी करने में करीब 2 साल लग गए। वहीं इतनी भारी ज्वेलरी पहनना बहुत मुश्किल है, और ऐश्वर्या को भी इससे काफी परेशानी होती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जोधाकबर फिल्म में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ज्वेलरी पहनना। तो ये थी जोधाकबर फिल्म की एक छोटी सी कहानी। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।